जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे सर भी है ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक तिनका देख के याद आया, पहले तो थी एक सोच आई हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपना नजरिया पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। हमारे शो की, हमारे इस प्रोग्राम की ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन जिससे हमें ये समझने को मिलता है कि वाकई हमें अपना नज़रिया रखना चाहिए, यानी स्त्रियों को अपना नज़रिया रखना चाहिए। इसलिए हमें सोचना चाहिए भगवान श्री राम की तरह, जिन्होंने स्त्री को यानी कि शक्ति को, विजय श्री को, जिसका मतलब साक्षात विजय है, उसे प्राप्त करने के लिए रणभूमि में भी प्रार्थना की। वो चाहते, उन्हें पता चला कि रावण ने आराधना करके शक्ति अर्जित कर ली है। वो ईश्वर थे, यदि वो चाहते तो भगवान शंकर से कहकर ही वो शक्ति को अर्जित कर सकते थे, लेकिन फिर इतना उदाहरण कैसे वो बता सकते आने वाले समय को, आने वाली पीढ़ियों को, कि स्त्रियों को यानी कि उनके शक्ति स्वरूप को यदि प्राप्त करना हो तो ठीक वैसे ही सम्मान देना चाहिए जैसे प्रभु श्री राम ने दिया। जैसा कि कहते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। ये प्रभु श्री राम ने करके दिखाया और शक्ति को सम्मानित किया। इसी अपनी भावना को लेकर हमने ये सीरीज का प्रारंभ किया है, जिसमें हम हमेशा हर हफ्ते ऐतिहासिक महिलाओं की कहानियों को लेकर आपके बीच में उपस्थित होते हैं। इन कहानियों को सुनकर, इनके बारे में जानकर हमें ये तो महसूस जरूर करना चाहिए कि ये स्त्रियाँ कोई कल्पना की स्त्रियाँ नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास में इनकी कहानियाँ दर्ज हैं। हो सकता है कि हमें बहुत जगह सुनने को कम मिलती हो, लेकिन इससे इनके अस्तित्व को नहीं मिटाया जा सकता। आज मैं जिन कहानी को आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिस व्यक्तित्व को आज हमारा ये मंच बहुत ही गर्व महसूस करेगा, क्योंकि आज मैं इस मंच को समर्पित करने जा रही हूँ महारानी योद्धा नायकी देवी सोलंकी को, जिनका परिचय हमारा अभी थोड़ी देर बाद होगा। आपने इसके पहले लोपामुद्रा, मैत्रेयी और प्रभावती गुप्त के कहानी को सुना, उनके जीवन को आपने कहानी के माध्यम से समझा। आपने देखा कि कैसे जहाँ लोपामुद्रा और मैत्रेयी साथ में रहकर और गृहस्थ जीवन जीते हुए भी अपनी विद्वत्ता का जो प्रकाश है उसे पूरे समाज में प्रसारित करती हैं। आपने देखा किस प्रकार प्रभावती गुप्त ने राजमाता होकर सिंहासन को संभाला। इसी राजमाता की परंपरा जब आगे बढ़ती है तो यही एक विरासत जिसका द्वार प्रभावती गुप्त खोल कर गई थी, आज हमारी महारानी नायकी देवी सोलंकी उसे अगले स्तर तक पहुंचाएंगी। तो आप ये समझ लीजिए कि हमें स्त्रियों को, आप जिनको, जिनके बारे में आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं,
आप उनको अलग अलग ना समझ के बल्कि एक स्त्री के विकास की यात्रा की नज़र से भी देख सकते हैं। फिर वही बात है कि नज़रिए को बदलने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। तो आज हम आपका परिचय कराते हैं नायकी देवी से, जो कि एक योद्धा है, एक रानी है, एक राजकुमारी है, एक राजमाता है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ऐसे शत्रु को पराजित किया। हम सभी सुनते आए हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के युद्ध को। हमने इतिहास में हजारों बार पढ़ा है उनके युद्धों के बारे में, कभी गोरी ने हराया, कभी पृथ्वीराज ने। लेकिन क्या आपको पता है कि मोहम्मद गोरी को हराने वाली एक महिला भी हमारे भारत का इतिहास का एक हिस्सा रह चुकी है? नायकी देवी, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को ऐसा पछाड़ा, ऐसा दौड़ाया उसे कि वो न जाने लगभग 10 से 11 वर्षों तक चुपचाप डर के मारे बैठा रहा। भारत की तरफ तो उसने दृष्टि नहीं डाली, बहुत बाद में उसने फिर से प्रयास किया। लेकिन हम पृथ्वीराज चौहान को तो याद करते हैं, लेकिन नायकी देवी के बारे में हमने नहीं सुना। शत्रु भी एक तरीके से सम्मानित होना चाहिए, अर्थात कि मेरा कहने का मतलब है, शत्रु भी इतना बड़ा, कोई छोटा मोटा नहीं। और हमारे इतिहास में मोहम्मद गोरी का नाम भी भारत के आततायी आक्रमणकारियों में सर्वोपरि है, उसको हराने वाली महारानी नायकी देवी। तो आज हम आपको उनके जीवन की तरफ ले चलेंगे, दिखाएंगे कि कौन थी नायकी देवी सोलंकी। तो नायकी देवी के बारे में जानने के लिए हमें ये देखना होगा, चलना होगा कदंब के महारा महामंडलेश्वर राजा के पास, जिनकी वो बेटी थी। नायकी देवी, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो राजकुमारी होती थी उनको बचपन से ही प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन नायकी देवी का अपना एक रुचि थी कि वो घुड़सवारी करे, तलवारबाजी करे, और वो सिर्फ हथियार चलाती ही नहीं बल्कि हथियार को बनाना भी जानती थी। युद्ध कला में पूर्णतः निपुण, और यहाँ तक कि युद्ध की रणनीति भी वो बनाती थी। दोनों हाथों से तलवारबाजी करने की उनकी विशेष कला उन्हें प्राप्त थी। लेकिन कदंब के राजकुमारी का जो एक तरीके से भाग्य है, वो तो लिखा था सोलंकियों के शासन में। इसी को देखते हुए उनके विवाह का प्रस्ताव उनको, उनके राजा को, उनके पिताश्री के पास आता है प्रस्ताव सोलंकी, यानी कि जिसे हम चालुक्य वंश भी कह सकते हैं, गुजरात के सोलंकी, पाटन अहिलवाड़ा के महाराज अजयपाल के घर से। और बड़े ही धूमधाम से अजयपाल और रानी नायकी देवी का विवाह होता है। नायकी देवी अब सोलंकी साम्राज्य की बहू भी थी, वहाँ की रानी थी, पटरानी थी, और आने वाले समय में उसकी भाग्य विधाता भी थी। उन्होंने एक नई परंपरा का प्रारंभ किया। राजा और रानी, यानी कि अजयपाल और नायकी देवी, सामूहिक रूप से शासन करते थे। दोनों ही बहुत ही ज्ञानी थी सोलंकी, यानी कि नायकी देवी बहुत ही ज्ञानी थी, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो युद्ध कला में इतनी निपुण थी कि महाराज अजयपाल उनके साथ ही युद्ध का अभ्यास भी किया करते थे, और जिन चीज़ों में उन्हें नहीं महारत हासिल थी वो राजा के साथ रहते रहते उन्हें प्राप्त हो गई। दोनों एक साथ युद्ध का अभ्यास करते, आँखों पर पट्टी बांध कर दोनों हाथों से तलवारबाजी करना नायकी देवी ने सीखा। शायद आने वाला समय उनके इसी प्रशिक्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। देखते ही देखते समय बीतने लगा, और उस वक्त पाटन, यानी कि अहिलवाड़ा, पाटन गुजरात ही नहीं, संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के 10 सबसे समृद्ध शहरों में से एक था। पाटन को उस वक्त भारतीय उपमहाद्वीप का हृदय समझा जाता था, यानी कि हृदय इतना समृद्ध, इतना वैभवशाली वहाँ का जीवन था, वहाँ धन धान्य से पूरी
नदियां एक तरीके से बहती थीं, बहुत ही समृद्ध राज्य था। लेकिन समय को शायद कुछ और ही मंजूर था। महाराज बहुत दिनों तक जीवित ना रह सके। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ग्रह की कुछ ऐसी कलेश हुआ या षड्यंत्र हुआ जिसमें अजय पाल के अंग रक्षक ने ही उनकी हत्या कर दी। अब पाटन सिंहासन खाली हो गया। अब रानी के लिए ये सबसे बड़ी समस्या हो गई कि सिंहासन पे कौन बैठेगा। उस वक्त उनके पास दो पुत्र हो चुके थे। उनके बड़े बेटे मूलराज द्वितीय बहुत ही छोटे थे और इतने छोटे शासक को, इतने छोटे बच्चे को राजा बनाने के लिए फिर से एक प्रकार की समस्या खड़ी हो गई। लेकिन तब तक ये परंपरा चल चुकी थी कि छोटा बच्चा, अगर जो है राजकुमार छोटे हैं तो वो गद्दी पर फिर भी बैठ सकते हैं। लेकिन उस वक्त पाटन की सामरिक स्थिति ऐसी थी कि सिंहासन किसी योग्य हाथों में होना चाहिए, शक्तिशाली हाथों में होना चाहिए, ऐसी सभी दरबारियों की इच्छा थी। उन सभी ने रानी नायकी देवी के पास प्रस्ताव रखा कि आप स्वयं सिंहासन पर आसीन होएं और शासन चलाएं, क्योंकि पाटन सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का सबसे वैभवशाली नगर था। और इस वक्त सिंहासन जब खाली हो तो तमाम दुश्मन यहाँ आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन महारानी ने इस चीज को स्वीकार नहीं कहा। उन्होंने कहा कि चूंकि परंपरा ऐसी नहीं है कि मैं सिंहासन पर बैठूं, अब बात यह है कि जब तक कि आने वाला उत्तराधिकारी जीवित हो तब तक कोई और सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। रानी ने इस बात की चर्चा को आगे बढ़ाया, लेकिन समस्या को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन राजमाता के रूप में। हम राजमाता के रूप में शासन करेंगे, लेकिन जो नाम चलेगा वो हमारे बेटे मूलराज द्वितीय का। मूलराज इतने छोटे थे कि वो बाल शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गए, बाल मूलराज, छोटे मूलराज। अब बात ये आ गई कि किसी प्रकार से उधर गोरी शहाबुद्दीन गोरी, जो कि बड़ा ही आततायी क्रूर, ऐसी क्रूरता उसके अंदर थी कि उसके लिए युद्ध आनंद का विषय था। आनंद मतलब हिंसा, हिंसा उसके लिए आनंद के विषय थी। युद्ध तो क्या, लूटपाट मचाना, हिंसा करना, लोगों को मारना, ये सब उनका काम था। उन्हें पता चला, गोरी को ये पता चला कि पाटन के सिंहासन पर एक बच्चा बैठा है और उसके साथ बैठी है एक महिला, एक स्त्री। अब ना तो उसके आगे पीछे कोई पुरुष भी नहीं है, तो ऐसे राज्य को जीतने में बड़ी आसानी होगी। उसने अपने इस जो मंसूबा था उसको अंजाम देने के लिए वो आगे बढ़ा। किसी प्रकार रानी नायकी देवी के पास ये खबर आती है कि गोरी ने राज्य को लूटने की मंशा बना ली है। लेकिन मोहम्मद गोरी गजनवी से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि गजनवी का ये मकसद रहता था कि लूटपाट करें और वापस से अपने राज्य चले जाएं। लेकिन मोहम्मद गोरी ऐसा नहीं था। वो कभी भी वापस स्वयं तो जाता, लेकिन अपने किसी प्रतिनिधि को या अपने किसी गुलाम को वहां पर बैठा देता राज्य करने के लिए। अब उसके इस मंसूबे के बारे में पता चला, लेकिन यहाँ नायकी देवी के पास उनके दरबार में गोरी ने एक प्रस्ताव भेजा और कहा कि नायकी देवी अगर चाहती है कि मैं आऊं ना आऊं या हिंसा ना हो, हमारे बीच में समझौता हो जाए, तो रानी अपने बेटों सहित और साम्राज्य के धन धान्य समेत और सारी महिलाओं के समेत हमारे सामने समर्पण कर दे। अगर ऐसा नहीं करती है तो पाटन की दीवारें रक्त के स्नान करेंगी। इतना भयानक रक्तपात होगा
कि सोलंकी राजवंश इस बात को कभी नहीं भूल पाएगा। उसने ये भी कहा कि आप स्त्री हो, सिंहासन पर बैठना आपका कोई औचित्य नहीं। आपका काम तो घर संभालना है, बच्चों की देखभाल करनी है, पुरुषों की सेवा करनी है। सिंहासन, राजपाट, ये सब आपके मतलब की चीज नहीं है। आप तलवार मत चलाइए, बेलन चलाइए। ऐसी अशोभनीय बातें उसने अपने पत्र में अपने राजदूत के हाथों लिखकर भिजवाई। रानी नायकी देवी को सबसे अधिक क्रोध आया। वो सिंहासन से खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि आज जी में आता है कि इसका सर मैं अभी काट दूं, लेकिन इसे तो मैं दिखाऊंगी कि स्त्री क्या होती है। अब नायकी देवी के तीन तीन शत्रु पैदा हो गए। मतलब शत्रु तो सिर्फ गोरी ही है, लेकिन उसके रूप में तीन शत्रु। एक तो वो कि महारानी ने ये सोचा कि गजनवी, जिसने कि सोमनाथ पर आके लूटपाट की, उस वक्त भी सोलंकियों का ही साम्राज्य था, लेकिन वो उसे रोक न सके। तो ये कलंक जो कि उनके राज्य पर, उनके पूर्वजों पर लगा था, उसे रानी धुलना चाहती थी। उन्होंने कहा कि भले ही किसी और ने इस कार्य को अंजाम दिया हो, लेकिन इसका बदला मैं गोरी से लूंगी। और गोरी के रूप में दूसरा शत्रु स्वयं, जो कि पाटन पर उसने आक्रमण किया, उसे निहत्था समझ के। और तीसरा शत्रु जो कि स्त्री को कमजोर समझता है, स्त्री को समझता है कि वो किसी के भी योग्य नहीं है, जिसमें से रानी ने दो शत्रुओं को तो हरा दिया, लेकिन तीसरा अभी भी जीवित है। यानी आज भी स्त्रियों को उतना ही कमजोर समझा जाता है। तो नायकी देवी ने हथियार उठा लिए। उन्होंने गोरी के पास संदेशा भिजवाया कि ठीक है, हम तैयार हैं युद्ध के लिए भी, और देखेंगे तो संधि के लिए भी। अब उन्होंने गोरी को भ्रमित कर दिया, लेकिन उनके राज्य का, उनके दरबार का ये दृश्य देखकर उनका दूत बहुत ही भयभीत हो गया। वो गया, उसने कहा जाकर गोरी से कि मुझे नहीं लगता कि नायकी देवी समर्पण करने वाली है, तो हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। गोरी उस वक्त मुल्तान के रास्ते भारत की तरफ बढ़ रहा था। उसने बहुत सारे सैनिकों के साथ, बहुत सारे घोड़ों के साथ, हथियार से लैस होकर भारत की ओर मुड़ना शुरू किया। गुजरात की ओर उसका प्रवाह निरंतर बढ़ता जा रहा था। अब इधर नायकी देवी ने अपने दरबारियों से, मंत्रियों से, सेनापतियों को बुलाया, उनसे पूछा कि हमारी क्या तैयारी है युद्ध को लेकर। बाकी ने सबने कहा कि हमारा साहस तो पूरा है, हमारी मंशा भी है कि हम गोरी को हरा दें, लेकिन समस्या ये है कि हमारे जो सैनिक हैं वो उतने प्रशिक्षित नहीं हैं, ना ही उनकी संख्या बल गोरी की सेना से ज़्यादा है, तो अगर ये युद्ध हुआ तो हम हार सकते हैं। लेकिन नायकी देवी सिर्फ लड़ना ही नहीं जानती थी, बल्कि वो युद्ध की नीति भी बनाना जानती थी। उस वक्त उन्होंने सोचा कि अगर ये युद्ध किसी मैदान में लड़ा गया तो हम हार सकते हैं, क्योंकि अगर मैदान में युद्ध होता है तो वही जीत सकता है जिसके पास सेना का बल यानी संख्या में ज्यादा हो, या सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, जिसमें से दोनों ही ये बातें नहीं थी उनके पास। तो उन्हें युद्ध अकेले ही लड़ना था। उन्होंने अपने आसपास पड़ोसी राज्यों में पत्र भिजवाए और कहा कि ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, हमारे जो विवाद हैं वो तो चलते ही रहेंगे, हम पड़ोसी हैं, होता रहेगा सब कुछ, लेकिन अभी ये समय है कि बाहरी को, मलेच्छ को, यहाँ मलेच्छ का मतलब किसी भी बाहरी आक्रमणकारी से है, किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बाहर से आ रहा है, क्रूर है, आतताई है, आक्रांता है, उससे लड़ने के लिए हम सभी को एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा।
उसमें से बहुत से राजाओं ने उनकी बात मान ली, लेकिन बहुत ने नहीं मानी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के पास भी पत्र भेजा था। परमार और कुछ कुछ लोग तैयार हो गए। कुछ राजाओं ने कहा कि ठीक है, हम एक झंडे के नीचे इकट्ठे होंगे। वो ध्वज हाथ में होगा नायकी देवी के, वो संचालन करेंगी, हम सभी उनका साथ देंगे। रानी ने बड़ी ही समझदारी से ये निर्णय लिया कि युद्ध होगा, और उन्होंने अपने जितनी महिलाएं थी, जिसको कि गोरी ने कहा था एक तरीके से समर्पण करने के लिए, रानी ने उन सभी को अपने पड़ोसी राज्यों में कहा कि आप इन्हें सुरक्षित रखें। उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें दूसरे राज्यों में भिजवा दिया गया, बच्चों को भी वहां पहुंचा दिया गया, और जितनी समृद्धि थी उसकी बहुत ही ज्यादा सुरक्षा रख कर दी गई कि अब कुछ भी हो, अगर यहाँ हमारे पीछे लूटपाट नहीं हो पाएगी। इतने में पुरोहित का आगमन होता है, और वो कहते हैं राज पुरोहित कि महारानी, अभी आप जब युद्ध की बना रही रणनीति, उस वक्त तो ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण, और ग्रहण में कभी युद्ध नहीं हो सकता, ये धर्म के खिलाफ है। लेकिन यहां रानी को ऐसा लगा, नायकी देवी को, उनके मन में यही भाव उठे, उन्होंने यही कहा होगा कि छीनता हो सत्य कोई और तू, छीनता हो सत्य कोई और तू, त्याग तब को त्याग तब से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। अर्थात कि इस वक्त धर्म यही है कि उस पापी का, उस हमारे शत्रु का हाथ काट दिया जाए, उसे काटने में, उसे मारने में इस वक्त हमें कोई पाप नहीं लगेगा, और ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। उधर गोरी को ऐसा लगा कि एक स्त्री क्या ही कर पाएगी, छोटी मोटी सेना लेकर आ जाएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसकी टक्कर आज एक स्त्री से होने वाली थी। सिर्फ स्त्री ही नहीं, बल्कि एक माँ से होने वाली थी, और अगर अपने बच्चे पे संकट आता है तो माँ अपने सारे पंजे निकाल लेती है, उस वक्त तो हथियार उठा लेती है, और फिर ये तो राजमाता थी, और उसके ऊपर राजपूती तलवार, महारानी सोलंकी राजपूत थी, और शायद गोरी को ये नहीं पता था कि राजपूतों के लिए युद्ध एक आनंद है, एक खेल है, उनके लिए युद्ध कोई बड़ी बात नहीं है, और वो बचपन से ही इन सारी विद्याओं में, कलाओं में पूरी तरीके से प्रशिक्षित थी और प्रवीण थी, उन्हें बहुत कुछ आता था। तब उन्होंने ऐसा सोचा कि इस युद्ध को मैदान में हम नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसके पहले कि गोरी आए हम पर आक्रमण कर दे, क्यों ना हम पहले गोरी की प्रतीक्षा में माउंट आबू के पास चलते हैं, यानी अरावली की पहाड़ियों की तरफ वो पहले ही चली गई। माउंट आबू के पास उसकी तलहटी में एक गांव था, उन्होंने वहां अपनी सेना का पड़ाव डाला। उस घाटी से गोरी परिचित नहीं था, और ऐसे में गोरी की सेना, उतनी विस्तृत सेना एक साथ उस घाटी में प्रवेश नहीं कर सकती। तो अब उन्होंने कहा कि अब हम ऐसी रणनीति बनाएंगे कि गोरी की सारी सेना एक साथ आ ही ना पाए, तो ऐसे में जब सेना टुकड़ी टुकड़ी में अंदर आएगी तो हम उस पर प्रहार करते जाएंगे। उन्होंने अपने सैनिकों को गुट बना बना के छोटे छोटे गुटों में विभाजित कर दिया। कुछ को कहा कि थोड़ी चोटी पर चले जाएं, और कुछ को ऐसा प्रशिक्षण दिया कि वो भेस बदलकर गोरी की सेना में शामिल हो गए थे। यहीं पर अब क्या होता है कि गोरी को लगता है कि रानी तो है ही नहीं, इतनी छोटी सेना। जब गोरी ने दूर से रानी की सेना को आते हुए देखा
तो उसने सोचा कि ये तो सत्य में सच में समर्पण करने ही आ रही है, इतनी छोटी सी सेना। और उस वक्त जब वो अपने उच्च आत्मविश्वास पर बैठ गया था जाकर, उसी वक्त रानी का आगमन होता है। उसने नजदीक से आकर देखा तो एक विशाल गजराज पर बैठी हुई रानी नायकी देवी सोलंकी साक्षात दुर्गा की तरह प्रतीत हो रही थी। दोनों हाथों में तलवार, अपने बच्चों को लेकर वो युद्ध के मैदान में उतर गई थी। इतना भयानक दृश्य गौरी को देखने को मिला। उसने सोचा कि एक स्त्री जिसके बारे में उसने पूरी जानकारी भी नहीं ली थी, सिर्फ उसे अबला समझकर वो युद्ध में कूद पड़ा था। उसने सोचा नहीं होगा कि आज रानी उसे इतिहास में एक हरा हुआ भागा हुआ भगोड़ा सिद्ध कर देगी। और वैसा ही हुआ। महारानी का युद्ध प्रारंभ हुआ गौरी के साथ। धीरे धीरे गौरी की सेनाएं एक तरीके से उनका खात्मा होने लगा, उनका संहार होने लगा। और इतने ही देर में जब गौरी को ऐसा लगा कि मेरे तो बहुत सारे सैनिक हैं, उसी बीच जो भेष बदलकर राजपूत वहां इकट्ठा हुए थे वो एकाएक आक्रमण कर देते हैं। अब गौरी को ऐसा लगता है कि जो सेना वो बहुत विस्तृत रूप में लेकर आया था वो तो इस मैदान में इकट्ठी ही नहीं हो पा रही। लेकिन यहाँ रानी ने अपनी बुद्धिमता का परिचय दिया था। अगर वो युद्ध का मैदान ना बदलती, स्वयं के हिसाब से उसको ना चुनती, तो शायद आज इतिहास में वो युद्ध हार जाती। सोलंकी रानी नायकी देवी ने गौरी को ऐसा दौड़ाया कि गौरी भागा, इतनी दूर तक वो भागा। उन्होंने उसे अश्व में चढ़कर, गज पर चढ़कर, नीचे उतरकर हर तरीके से उसे बहुत पीटा। इतना भयानक युद्ध हुआ कि गौरी की आंखों में एक तरीके से भयानक दृश्य उकरने लगे। अब उसे लगा कि इतनी ज्यादा श्रेष्ठ योद्धा स्त्री तो मैंने देखी नहीं थी, और मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि कोई स्त्री इतनी ज्यादा प्रशिक्षित हो सकती है। लेकिन रानी को लगा कि आज तो मैं इसका सर काट दूंगी। और जब उनका दूत वहां दरबार में आया था तो उस वक्त रानी ने कहा भी था कि जब तक मेरी तलवार गौरी के रक्त का चको चख न ले, तब तक मैं पाटन में अपना कदम नहीं रखूंगी। वहां रानी एक प्रकार से कसम खाकर आई थी। उसे तो ये पता ही नहीं था कि स्त्री जब तलवार उठाती है, जब हथियार उठाती है, तो वो पूरी सृष्टि को बदल कर रख देती है। इसके पहले तो उसका स्वरूप करुणामयी होता है, इसीलिए वो जल्दी किसी से उलझती नहीं। लेकिन अगर उलझ जाए तो आप ही देखिए इतिहास में सोलंकी रानी नायकी देवी ने गौरी का क्या हाल किया। इधर गौरी को रानी ने इतना तेजी से दौड़ाया, इतना पीछा किया उसे, इतना मारा कि वो भागते गया, भागता हुआ वो मुल्तान की तरफ मुड़ने लगा। और उसने अपने साथियों से कहा कि मेरे घोड़े को रुकना नहीं चाहिए बीच में, अगर ये घोड़ा बीच में रुक जाता है या थक जाता है या ये बीमार पड़ जाए या कुछ भी हो जाए तो मुझे इस घोड़े से दूसरे घोड़े पर चढ़ा देना, चलते हुए घोड़े पर, लेकिन मेरा घोड़ा मुल्तान जाते हुए बीच में रुकना नहीं चाहिए। ऐसा तो कहते हैं, कहीं कहीं तो ऐसा भी कहा जाता है कि रानी ने ऐसा प्रहार किया था कि गौरी नपुंसक हो गया था। एक रानी ने, नायकी देवी सोलंकी ने भारत के इतिहास के सबसे बड़े आतताई क्रूर मोहम्मद गौरी को हराया था। क्या आप जानते थे उनके इस इतिहास के बारे में कि पृथ्वीराज से बहुत पहले उन्होंने गौरी को उसकी एक प्रकार से ये दिखाया कि मध्य एशिया के होने के बाद वो चाहे कितना ही कट्टर क्यों ना हो, लेकिन अगर एक स्त्री से लड़ना, यहाँ तो बात थी अपने आन बान और शान की। उस वक्त राजपूत होने के नाते उन्होंने ये भी बात, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी कि अगर आज मैंने इसे नहीं हराया या मैंने इसे
अपने राज्य पर आने दिया तो ये हमारे गौरव के लिए एक प्रकार का कलंक हो जाएगा। राजपूतों के इतिहास को तो अगर खड़े होकर 50 घंटे भी बोला जाए तो वो भी बहुत कम होगा। इसके बिना तो इतिहास पूरा माना ही नहीं जाता। और गोरी को तो ये पता ही नहीं था कि भारत की स्त्री इतनी ताकतवर हो सकती है, वो भी अगर वो राजपूत हो तो। इस बात की चर्चा हमारे इतिहास में बहुत ही कम होती है। ये एक रानी ऐसी भी थी जिसने मोहम्मद गोरी को हराया, जिसके बाद आने वाले लगभग 10 सालों तक गोरी तो भारत की तरफ आ ही न सका। और रानी ने यही नहीं बल्कि आने वाले सभी मध्यशियाओं को, सभी मध्यशिया के नए आक्रांताओं को रास्ता ही भुला दिया था। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश कर सके। अब सबने अपने रास्ते को बदल दिया था। अब सभी पंजाब की तरफ से भारत में आते थे, लेकिन गुजरात के दरबार पर, गुजरात के दरवाजे को नायकी देवी सोलंकी वहां पहरा दे रही थी। और उनके होते हुए किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो वहां पर आए और पाटन की तरफ नजर उठाकर भी देखे। तो आज आपने नायकी देवी के बारे में सुना और आपको आपने ये देखा भी कि किस प्रकार राजमाताओं की अगर तुलना की जाए तो आप प्रभावती से तुलना करके देख लीजिए कि प्रभावती के पास तो उनके पिता का संरक्षण भी था। और हमने आपसे कहा था कि तुलना को समय से बांध कर ही करिएगा, क्योंकि यहाँ नायकी देवी की तुलना प्रभावती से करते वक्त आप ये जरूर याद रखिएगा कि समय का बहुत बड़ा एक तरीके से विस्तार हो चुका था, बहुत समय आगे निकल चुका था। अब राजमाता के हाथ में हथियार भी था, रानी ने युद्ध भी किया और अपने आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली परंपरा में उत्तराधिकारी के रूप में, भले ही आपको लगता हो कि उनकी उत्तराधिकारी मूल राज थे, ये सत्य है कि राज्य के हिसाब से वो उनके उत्तराधिकारी थे, उनके पुत्र थे। लेकिन स्त्रियों को हमेशा अपने ये समझना चाहिए कि हम अपनी उन्हीं महान शासक, उन्हीं महान स्त्रियों की हम उत्तराधिकारी हैं। तो अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में अगर किसी स्त्री को ऐसा लगता हो कि वो अबला है, बेचारी है, तो उन्हें इन रानियों के विषय में या इन महिलाओं के विषय में समझना पड़ेगा, उनकी कहानियों को पढ़ना पड़ेगा। आने वाले कई एपिसोड में आप देखेंगे कि अब वीरांगनाओं की चर्चा होगी और वो समय भी ऐसा था। तो ऐसी ऐतिहासिक महिला हमारे इतिहास में है, लेकिन हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम तो परंपरागत चीज़ों को पढ़ते हैं। हमने कभी स्त्री को इतना महत्व ही नहीं दिया कि अगर उसे थोड़ा भी प्रशिक्षण दिया जाए, उस पर भरोसा किया जाए, तो वो भी नायकी देवी सोलंकी की भांति अपने राज्य की भी रक्षा कर सकती है। भले ही ऐसा कहते हैं कि एक स्त्री, यानी कि अगर पुरुष ना हो तो स्त्री अनाथ हो जाती है और अगर स्त्री ना हो तो पुरुष अपंग हो जाता है। मुझे नहीं पता कि पुरुष अपंग होता है कि नहीं होता, लेकिन स्त्री तो अनाथ नहीं होती, क्योंकि अगर स्त्री हो नायकी देवी सोलंकी की तरह तो वो अनाथ क्या होगी, वो तो उसके राज्य के भी ऊपर उसका संरक्षण वाला हाथ, इतना मजबूत हाथ अगर छत्र की तरह हो तो कोई भी स्त्री कभी अनाथ नहीं हो सकती है। बात है भरोसे की। तो नायकी देवी ने इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया, आपने देखा और सुना। तो नायकी देवी के इस जीवन को, इस सुंदर वीर गाथा के ऊपर यही एक पंक्तियाँ याद आती हैं कि अबला नहीं अंगार हूँ मैं, वज्र का प्रहार हूँ मैं, सकल हूँ साकार हूँ मैं, शक्ति का अवतार हूँ मैं, इस सृष्टि का विस्तार हूँ मैं। इतनी महान रानी जिसने कसारदा का युद्ध किया, ये युद्ध कसारदा या काइंद्रा के युद्ध के नाम से हमारे इतिहास में दर्ज है। और बहुत से ऐसी जो पांडुलिपियाँ हैं, बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने उनके इस दृश्य को
अपने किताबों में कैद किया, अपने शब्दों के माध्यम से उन्होंने उसे संरक्षण प्रदान किया। तो आज आपने देखा नायकी देवी सोलंकी का इतिहास, सुना एक कहानी के माध्यम से कि एक स्त्री चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। तो बात है फिर अपने नज़रिए को बदलने की। तो अपने इस आज की इस चर्चा को मैं अपनी वही लाइनें उसी के साथ समाप्त करना चाहती हूँ कि सब अपना नज़रिया पास रखो, हम अपना नज़रिया रखते हैं। अब इस लाइन के साथ मैं तो अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप रानी नायकी देवी की इस कहानी को जरूर याद रखिएगा और छोड़कर हम जाते हैं आपको रानी नायकी देवी सोलंकी, गुजरात की सबसे महान रानी, चालुक्य वंश की महान वीरांगना योद्धा राजमाता नायकी देवी की कुछ झलकियों के साथ, जिससे आप देखिए और उनके विषय में जरूर याद रखिएगा। हो सकता है हम सबका नज़रिया आने वाले समय में बदल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है, सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है। हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है, मंजिल तक सोच के आए पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना। वो सोच संभाल भी सकते हैं सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो।